हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता। इस रेसिपी को हम बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेड सॉस पास्ता। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 300 ग्राम पास्ता। मैंने यहाँ पे पेने पास्ता लिया है, आप कोई से भी अपनी पसंद से पास्ता ले सकते हो। अब पास्ता को बॉईल करेंगे। इसके लिए पानी में हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच ऑयल ऐड किए हैं, जिससे पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, क्योंकि पास्ता फीके होते हैं तो उसमें एक नमक का फ्लेवर आ जाएगा, तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अदरवाइज़ ये फीके रह जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इस बॉईल किए हुए पानी में हम पास्ता डाल देंगे और एक बार इसको स्टर कर देंगे। पास्ता को बॉईल करने के लिए हमें गैस का फ्लेम फुल रखना है और इसको 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। अब यहाँ पास्ता को बॉईल होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो हम पास्ता को इस तरह निकाल कर देख लेंगे कि ये पका है या नहीं पका। अगर ओवर कुक हो जाएगा तो पास्ता बाद में टूटने लग जाते हैं, सही नहीं बनते। तो इस तरह बीच से कट करके आप चेक कर सकते हो पास्ता पका है या नहीं पका। आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी अच्छे से पास्ता उबल चुके हैं। अब पास्ता को हम इस पानी से निकाल लेंगे। आप इसको डायरेक्टली जाली में भी निकाल सकते हो और ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है, जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। अब इस तरह रखे रखे पास्ता आपस में चिपक जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, और उसके ऊपर से 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे और एक बार इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। चाहे आप इनको 3 से 4 घंटे के लिए रखो, चाहे कितने भी देर रखो, लेकिन ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अब रेड सॉस बनाने के लिए हमें लेना है इस तरह से 6 से 7 टमाटर। इनको इस तरह से ऊपर से क्रॉस में कट कर लेना है, जिससे कि इनका बाद में छिलका आसानी से निकल जाए। इसी तरह से मैंने सभी टमाटर में कट लगा लिए हैं। अब करेंगे इनको बॉईल। अब यहाँ गैस पर पानी भी बॉईल हो चुका है, तो अब उसमें टमाटर डाल देंगे और इसके बाद हमें 3 मिनट तक ही इनको बॉईल करना है। 3 से 4 मिनट में टमाटर अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। इनको इतना ही हमें बॉईल करना है कि इनका छिलका आसानी से निकल जाए। आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और इनका छिलका इस तरह से अलग होता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं, तो इनका एक एक करके इस तरह से छिलका निकाल लेते हैं। यहाँ सभी टमाटरों का छिलका मैंने निकाल लिया। अब बनाएंगे इनकी प्योरी। प्योरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सचर जार लिया, उसमें डाल देते हैं टमाटर और साथ ही इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारा जो सॉस बन के तैयार होगा उसका कलर काफ़ी अच्छा आएगा। अब डाल देते हैं इसमें 2-3 चम्मच पानी और अब इनको पीस कर अच्छे से प्योरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और आप देख सकते हो टमाटर की प्यूरी भी बनकर तैयार है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर इसका ब्राइट आता है। अब यहाँ पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमें रिफाइंड ऑयल लेना है या हमें ऑलिव ऑयल लेना है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 प्याज, जिसको मैंने इस तरह से बारीक कट करके लिया है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से कूटा हुआ लहसुन है, इसको बारीक चॉप करके भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा कूट कर लिया है। अब इसको एक बार अच्छे से स्टर कर लेते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल ब्राउनिश नहीं करना है, इसको हल्का सा पकाना है हमें। अब इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून पास्ता सीजनिंग। इसकी जगह आप मिक्स्ड हर्ब का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम ऐड कर देते हैं इसमें टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाकर तैयार की थी। और अब इसमें ऐड कर देती हूँ 1 छोटा चम्मच नमक और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब कर लेते हैं एक बार मिक्स। आप इसमें तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये तीखा बिल्कुल परफेक्ट है। इसको बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी आराम से खा सकते हैं। अब इसमें टमाटर का जो खट्टापन होता है उसको बैलेंस करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। अब मैं पास्ता में थोड़ा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए ले रही हूँ 2 क्यूब्स प्रोसेस चीज़ की। इसको इस तरह से ग्रेट करके लेना है। आप इसकी जगह पॉमेजन चीज़ भी ले सकते हो, और अगर आपके पास चीज़ ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको चीज़ी फ्लेवर अच्छा लगता है पास्ता में तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिए। यहाँ पे मैंने चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया है।
अब यहाँ पे हमारा जो पास्ता के लिए रेड सॉस है वो भी अच्छे से पक कर तैयार हो चुका है। तब इसमें हम ऐड कर देते हैं पास्ता, और आप देख सकते हो ये पास्ता आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। अब इन पास्ता को डालकर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे ये रेड सॉस से अच्छे से कोट हो जाएं, और इनको लगातार इस तरह से स्टर करते हुए हमें टोटल 1 मिनट तक हमें पकाना है। और अब ऊपर से इसमें डाल देंगे जो प्रोसेस चीज़ हमने ग्रेट करके रखी है, उसको डाल देते हैं। और अब इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो चीज़ हमने ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पास्ता हमारे तैयार हैं। अब करते हैं इनको सर्व, और आप देख सकते हो पास्ता कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, उनका कलर भी कितना ब्राइट आया है। और ऊपर से इनको गार्निश करें चीज़ से। और तैयार हैं ये रेड सॉस पास्ता। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।